प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट एंड नोटिफिकेशन। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज के नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज आप सभी लोगों के लिए एक बड़ी गुड न्यूज है। संजू फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर काफी मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ट्रेलर में रणबीर कपूर, परेश रावल, अनुष्का शर्मा, सोनम कपूर लीड रोल में हैं। और बाकी की कास्ट देखा जाए तो इस फिल्म में जिम शरफ, दिया मिर्जा, बोमन ईरानी और मनीषा कोइराला भी है। इस फिल्म में रणबीर कपूर एज संजय दत्त, परेश रावल एज सुनील दत्त, सोनम कपूर एज वाइफ, अनुष्का एज डॉक्टर, दिया एज वाइफ। फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद तो साफ हो गया है कि संजय दत्त वाकई एक बहुत ही खुले दिल के, जिद्दी, फुल कॉन्फिडेंस और सबसे बड़ी बात फिजिकली और मेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। ट्रेलर देख के लगा कि उनके इरादे को कोई भी नहीं ला सकता था। बात करते हैं ट्रेलर की, लेकिन उससे पहले सीन देखते हैं कि कौन कौन से सीन हैं और उसके बाद स्टोरी और सीक्वेंस की बात करेंगे। तो ट्रेलर स्टार्ट होता है संजू से, जहां वो बताते हैं कि उनकी बायोग्राफी हम सभी के सामने आने वाली है। उसके बाद सीधा जेल से बाहर निकलने का सीन, ये सीन तो हम टीजर में भी देख चुके हैं। उसके बाद का सीन बॉम्ब ब्लास्ट, उसके बाद डायलॉग आता है कि मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, पुलिस का रिमांड और ड्रग्स, जहाँ संजय दत्त बताते हैं कि उन्होंने ड्रग्स लेना कैसे शुरू किया और कब कब लिया और उन्हें इसकी कैसे लत पड़ी। इसके बाद डॉक्टर कंसल्टेंट्स, जहां संजू अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताते हैं। उसके बाद अंडरवर्ल्ड की बात होती है और कुछ गन्स हमें देखने को मिलते हैं, जहां सोनम कपूर अपने मंगलसूत्र के बारे में पूछती है। टेररिस्ट, जहां पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले जाती है। उसके बाद एज अ फादर, परेश रावल की एंट्री और सबसे खतरनाक सीन टॉयलेट से गंदा पानी बाहर आना। आगे के सीन में देखते हैं कि संजय दत्त जेल की दीवार से अपना सर लड़ा रहे हैं। उसके बाद बेड का सीन, जहां के दोस्त उनको मोटिवेट करते हैं। आगे बॉडी जलने का सीन और उसके बाद कास्ट इंट्रोडक्शन। तो आइए इन सभी सीन को जोड़ते हैं और देखते हैं कि कब कहां कैसे हमें ये सीन फिल्म में देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहला सीन, जहां संजू इंट्रोडक्शन देते हैं और कहते हैं कि उनकी ऑटोबायोग्राफी आने वाली है। तो ये सीन हमें फिल्म के स्टार्टिंग में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें हम देख सकते हैं कि संजय दत्त अभी यंग दिख रहे हैं। उसके बाद सीन आता है सीधा जेल का, जहां संजय दत्त जेल से बाहर निकलते हैं। ये सीन हमें फिल्म के लास्ट में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो सीन है जब फाइनली संजय दत्त अपनी सजा पूरी करके जेल से बाहर निकले थे। उसके बाद कुछ छोटे छोटे सीन्स आते हैं। उसके बाद सीधा बॉम्ब ब्लास्ट। तो ये जो फिल्म स्टार्ट होती है तब, जब संजय दत्त फिल्मों में अपना कदम रखते हैं, मतलब कि 1981 से। और ये जो बॉम्ब ब्लास्ट होता है, ये हुआ था 1993 में। उससे पहले संजय दत्त ने बहुत सी फिल्म्स की थी। बात करें 1993 से पहले की, तो संजय दत्त की फिल्म आई थी खलनायक और साजन। ये दोनों फिल्म बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी। शूट के बाद संजय दत्त इंडिया से बाहर चले जाते हैं, पर उन्हें जैसे ही ये सब पता चलता है तो वो वापस आए और उन्हें वहीं एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसके बाद का ये सीन है, जहां पुलिस वाला पूछता है और थप्पड़ मारता है, जिसके बाद संजय दत्त पूरी कहानी बताते हैं। मतलब कि यहाँ से सारा सीन एज अ फ्लैशबैक देखने को मिलेगा, जहाँ हमें AK-46 वाला सीन देखने को मिलेगा और फ्लैशबैक में ही दिखाया जाएगा कि कैसे उन्हें ड्रग्स की लत लग गई। ड्रग्स की वजह से ही उनकी जान खतरे में आ गई और उन्हें डॉक्टर ने कहा था कि उनके पास अब बहुत ही कम समय बचा है। और ये वो सीन है जहां संजू एडमिट होते हैं, लेकिन होश आते ही चिल्लाने लगते हैं और छटपटाने लगते हैं। आगे के सीन में देखते हैं कि अनुष्का शर्मा उनसे कुछ सवाल जवाब करती हैं। आपको बता दूं कि ये सीन तब का है जब संजू जेल से तीसरी बार बाहर आते हैं। संजय दत्त उस समय मानसिक तनाव से गुजर रहे होते हैं। वहीं वो साइकेट्रिस्ट के पास आते हैं, जहां उनका इलाज अनुष्का करती है। उसके आगे फ्रेंडशिप का टाइटल आता है और वो अपने दोस्त के साथ फिर कहीं बाहर घूमते नजर आते हैं। ये जो आप दोस्त देख रहे हैं, ये है विकी, जो कि संजय दत्त के बहुत क्लोज फ्रेंड है और मुश्किल वक्त में इन्होंने साथ दिया था संजू का। आपको बता दूं, ये जो कैरेक्टर है जो इनका इतना साथ दे रहा है, रियल लाइफ में वो संजय दत्त की बहन का हस्बैंड है। ये जो सीन है, ये हमें फिल्म के स्टार्टिंग में ही देखने को मिलेगा, जब संजय दत्त फिल्म खलनायक और साजन करने के बाद बाहर टूर पे जाते हैं और वहीं से उन्हें ड्रिंक्स और इन सब चीजों की तलब लग जाती है। इसके बाद का डायरेक्ट वो सीन जहां संजू को गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद एक डायलॉग आता है कि अंडरवर्ल्ड से दोस्ती करेगा तो प्रेस वाले पीछे पड़ेंगे ही ना। और इसमें जो हम सीन देख रहे हैं, वो सब फ्लैशबैक में होगा, जहां संजय पुलिस को सब कुछ बताते नजर आएंगे। और ये वो डायलॉग है जहां प्रेस से परेशान होके संजय दत्त की मॉम सुनील दत्त से बात करती है। मतलब ये सीन हमें बीच में ही देखने को मिलेगा। आगे के सीन में हमने देखा कि सोनम कपूर संजय दत्त से मंगलसूत्र के बारे में पूछती हैं। इस सीन की बात करें तो ये हमें स्टार्टिंग में ही देखने को मिलेगा कि संजय दत्त को बिगड़ते देख सुनील दत्त नाराज हो जाते हैं और उनको पैसे देना बंद कर देते हैं। लेकिन तब तक संजय दत्त की दारू और ड्रग्स की तलब और बढ़ गई होती है और उसी वजह से वो अपनी वाइफ का मंगलसूत्र भी बेच देते हैं। हम एक सीन में देखते हैं कि संजय दत्त बिना कपड़ों के खड़े हैं और झुक के खांस रहे हैं। एक्चुअली ये सब आर्मी और पुलिस
पुलिस वाले तलाशी लेते समय करवाते हैं कि कहीं दोषी किसी भी तरह का सामान अंदर ना ले जा सके। और यहाँ संजू की तलाशी हो रही है कि कहीं वो ड्रग्स तो अंदर नहीं ले जा रहे हैं। देखा जाए तो ये तब का सीन है जब संजय दत्त तीसरी बार जेल जाते हैं। ये सीन फ्लैशबैक में नहीं होगा, फिल्म में ऐसा कई बार होगा जहां हम एज अ फ्लैशबैक स्टोरी देखेंगे। आगे सीन में देखते हैं कि एक कार में संजय दत्त और सुनील दत्त कहीं जा रहे होते हैं। ये वो सीन है जब संजय दत्त पहली बार जेल से बरी होके बाहर आए थे और प्रेस मीटिंग में जाते हैं। आगे के सीन में देखते हैं कि संजय दत्त किसी जलती हुई चिता के सामने खड़े हैं। ये जो सीन है अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये उनके माँ की चिता है। आगे के सीन में हमें फिल्म के कुछ क्लिप्स देखने को मिलते हैं जैसे कि मुन्ना भाई, MBBS और भी बहुत से, और उसके आगे कास्ट इंट्रोडक्शन। तो ये तो रहा ट्रेलर, अब बात करते हैं संजय दत्त की रियल लाइफ स्टोरी की जो फिल्म में दिखाई गई है। संजय दत्त सुनील दत्त के बेटे जिन्होंने बॉलीवुड में अपना कदम रखा 1981 में। संजय दत्त बचपन से ही थोड़े शरारती थे और बचपन की शरारत बड़े होके गलत आदतों में तब्दील हो गई, जैसे कि गलत लोगों के साथ उठना बैठना, ड्रिंक करना, स्मोक करना, ये सब जो कि ट्रेलर में भी हमें देखने को मिला है। 1981 में उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया, उसके बाद बहुत सी फिल्में की लेकिन आदत वैसी की वैसी ही थी। 1993 में वो टूर पे गए थे और यहाँ मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और फिर संजय दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया था। ऐसा माना जाता था कि उसमें उनका हाथ है और वो भी इसलिए क्योंकि उनके घर में AK-46 राइफल्स मिली थी। अब उनका हाथ इसमें सच में है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन सूत्रों की माने तो उन्हें किसी फ्रेंड ने ये गन्स रखने के लिए दी थी। संजय दत्त को जैसे ही पता चलता है कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और उसमें मेरा नाम आया है तो वो इंडिया आए और अपने आप को पुलिस के हवाले किया, जैसा कि हमें ट्रेलर में भी दिखा। लेकिन ट्रेलर में पुलिस उन्हें लेने गई है एयरपोर्ट पर। संजय दत्त को 5 साल के लिए 1993 में जेल हुई थी जहां उन्हें खूब टॉर्चर किया गया था कि वो अपना गुनाह कबूल कर ले। सजा होने के 8 महीने के बाद वो बेल पे बाहर आए। उनके इस रिहाई के पीछे सबसे बड़ा हाथ उनके पिता सुनील दत्त का था और भी बहुत से लोग थे। रिहाई के बाद 1994 में उन्हें फिर से जेल हुई और 1995 में उन्हें फिर से बेल मिली। और ट्रेलर में ये जो सीन देख रहे हैं ये तब का है जब संजय दत्त दूसरी बार जेल से रिहा हुए थे। 1995 के बाद उन्हें 2 साल की जेल हुई और 1997 में वो फिर से रिहा हुए, जो कि हमने ट्रेलर में भी देखा था। 1997 से लेके 2006 तक वो बाहर रहे जहां उन्होंने एक से बढ़के एक बेहतरीन फिल्म्स की, जैसे कि वास्तव, दुश्मन, कांटे और मुन्ना भाई MBBS। इन सभी फिल्मों के क्लिप हमें ट्रेलर में भी दिखा। और 2007 में उन्हें एक बार फिर से दोषी करार दिया गया और उसके बाद से उनके जेल से आने और जाने का सिलसिला शुरू हुआ। 2007 के बाद उनके फिल्मी करियर में भी ढलान देखने को मिला, मतलब कि उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी और उधर कोर्ट में उन्हें दोषी करार दिया गया, 5 साल की सजा सुनाई गई। वो इस बीच कई बार जेल से बाहर आए जिसके चलते काफी हंगामा हुआ था और फाइनली उनके अच्छे बर्ताव की वजह से उन्हें 8 महीना पहले ही रिहा कर दिया गया। ट्रेलर में हम एक सीन देखते हैं जहां संजय दत्त ब्लू जींस और ब्लू शर्ट पहने जेल से बाहर आते हैं। ये अभी पिछले साल का है जब फाइनली संजय दत्त रियल में जेल से रिहा हुए थे। इस ट्रेलर में हमें सोनम कपूर भी दिखी थी एज वाइफ। तो आपको बता दूं कि संजय दत्त की रियल लाइफ में 3 शादियां हुई हैं। 1981 में डेब्यू करने के बाद उनकी पहली शादी हुई थी 1987 में और डिवोर्स हुआ था 1996 में। उसके बाद 1998 में दूसरी शादी और डिवोर्स हुआ था 2005 में। तीसरी शादी 2008 में मान्या दत्त से। ये सारी कहानी हमें फिल्म में देखने को मिलेगी, संजय दत्त के लाइफ के वो 5 पल कैसे थे और क्या क्या हुआ उनके साथ, ये सब हमें इस फिल्म में दिखाया जाएगा। आपको बता दूं कि सुनील दत्त का रोल सबसे पहले आमिर खान को ऑफर हुआ था, लेकिन आमिर खान संजय दत्त का रोल करना चाहते थे। लेकिन सोचिए अगर वो इस फिल्म में सुनील दत्त का रोल करते तो कैसा होता। फिल्म का टाइटल है संजू वन मैन मैने लैब। इस टाइटल में ही पूरी कहानी है कि एक इंसान और कई जिंदगी। फिल्म का टीजर फुल एंटरटेनिंग, फैंटास्टिक और माइंड ब्लोइंग है और रणबीर कपूर इस टीजर में बिल्कुल संजय दत्त नजर आ रहे हैं। तो टीजर स्टार्ट होता है और देखते हैं कि रणबीर कपूर जेल से बाहर आ रहे हैं। इस सीन में हम देखते हैं जेल के ऊपर लिखा है येखड़ा पुणे। ये अभी हाल ही का सीन है जहां संजय दत्त जेल से रिहा हुए थे। आपको बता दूं कि ये सीन उस समय का है जब संजय दत्त जेल से हुए थे 1993 के मुंबई बम धमाकों के मामले में उन्हें सजा हुई थी और संजय दत्त येखड़ा जेल से रिहा हुए थे। उस समय उन्हें लेने के लिए महेश भट्ट और राज हिरानी पहुंचे थे, लेकिन फिल्म में लेने कौन गया है ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। इस पूरे टीजर में संजय दत्त की 22 साल से लेके अब तक की कहानी को दिखाया गया है कि कैसे वो 22 में दिखते थे या 32 में, 42 में और 52 में। इसके साथ ही उनके अलग अलग गेटअप, जैसे कि रॉकी फिल्म के रॉकी, खलनायक का बल्लू, मुन्ना भाई MBBS का मुन्ना, तो कहीं लग का करीम मूसा, सिर्फ
सिर्फ इतना ही नहीं, इस टीजर में कॉन्ट्रोवर्सी, कितनी बार जेल गए, लव अफेयर्स और मूवीज कॉन्ट्रोवर्सी, सब कुछ इस एक टीजर के जरिए हमें दिखाया गया है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है राजकुमार हिरानी ने। राजकुमार हिरानी एक इंडियन फिल्म डायरेक्टर है और ये जाने जाते हैं अपनी हिंदी फिल्म के लिए, जैसे की मुन्ना भाई, MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, 3 Idiots और PK। राजकुमार हिरानी का कहना की वो रणबीर कपूर की एक्टिंग से काफी इम्प्रेस है और उनके साथ दोबारा काम करना चाहते हैं। रणबीर कपूर ने हिरानी के साथ पहली बार फिल्म में काम किया है। रणबीर कपूर ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत साल 2007 में जावरिया फिल्म से की थी, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाई थी, लेकिन उसके बाद बहुत से हिट फिल्में दी। आपको बता दूं कि ये फिल्म संजू वन मैन मैनी लाइव्स बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने वाली है। इस फिल्म का बजट है 80 करोड़। फिल्म में लीड रोल में है रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा, दिया मिर्जा, परेश रावल और सोनम कपूर। बात करें कि ये फिल्म कितने तक का कलेक्शन कर सकती है इंडियन बॉक्स ऑफिस पे, तो ये फिल्म आराम से 250 करोड़ से 300 करोड़ का बिजनेस कर सकती है इंडियन बॉक्स ऑफिस पे। इस फिल्म का ट्रेलर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और आपको बता दूं कि ये फिल्म रिलीज हो रही है 29 जून को और मैं एज अ संजय दत्त फैन इस फिल्म को पहले दिन ही देखने जाऊंगा। दोस्तों आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, अपनी राय दे और फिल्म से रिलेटेड सवाल पूछने के लिए नीचे कमेंट करें। देखते रहें बॉलीग्रैड स्टूडियो। आने वाले इंटरेस्टिंग फिल्मों के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।